अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं आप सबको खुश आमदीद करती हूँ अपने चैनल ड्रेसिंग में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं फैशन पे, क्या चीज़ ट्रेंड में है और क्या नहीं है, तो आजकल साड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। तो हम बात करेंगे कि आप इन डिज़ाइन में से वो कैजुअल वेयर की साड़ी भी बना सकते हैं, फैंसी भी बना सकते हैं, और अगर आपने किसी की शादी पर जाना है तो वेडिंग वेयर की भी बना सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जिसे इन्होंने व्हाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन किया हुआ है और फ्रिल लगाई हुई है। फ्रिल आपको पता है कि कहीं पे नहीं जा रही। मेरी आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि फ्रिल जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके ड्रेस डिज़ाइनिंग में और इस तरह की चीज़ों में। सॉरी। और जैसे ये हैवी साड़ी है, आप इनका अंदाज़ा लगा के भी इसको बनवा सकते हैं, और जो कि आप आराम से शादी में पहन सकते हैं। ये सिल्क की है और ऊपर जो है वो इसकी पेटीकोट पे हल्का सा काम हुआ, छट्टा जिसको बोलते हैं हमारी ज़ुबान में, ये असल में इस तरह का काम हुआ हुआ है। और साथ में सादी साड़ी है जो कि अगेन बहुत प्यारी लग रही है। इन्होंने भी फ्रिल ऐड की हुई है, आपको पता है फ्रिल बहुत ज़्यादा इन जा रही है। और हम आज के टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह की साड़ियाँ आपको बनवानी चाहिए, किस तरह की जो है वो प्यारी लगती हैं पहनी हुई, और हेल्दी लोगों को कैसी बनवानी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने साड़ी पहन के बेल्ट ऐड की हुई है जो कि अगेन बहुत प्यारी लग रही है, और साड़ी का जो फॉल है ना वो अगेन बहुत प्यारा है। देखिए, इसने सबूर अली ने भी पहनी हुई है साड़ी है, और साथ में साड़ी के बॉर्डर पे पल्लू पे ना इन्होंने फ्रिल ऐड कराई हुई है। अच्छा, साड़ी जो है ना वो सारे सारे स्टफ्स में प्यारी लगती है, ज़्यादा प्यारी लगती है ये जो फूला हुआ स्टफ़ होता है ना, जिसको हम कतान सिलक बोलते हैं, उसमें प्यारी लगती है। टिशू में प्यारी लगती है, जिस तरह इन्होंने वेलवेट में पहनी है वेलवेट में भी प्यारी लग रही है, और सिल्क में बहुत प्यारी लगती है, और जो आपका हैवी स्टफ़ होता है ना उसमें भी बहुत प्यारी लगती है। लेकिन हैवी इस तरह से होना चाहिए कि आप पेटीकोट को हैवी कर लें और साथ में बॉर्डर को। पूरी साड़ी कभी भी हैवी बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगेगी। साड़ी जो होती है, जिस तरह इन्होंने पहनी हुई है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये देखें हैवी पहनी हुई है, लेकिन इन्होंने जो अपना बॉर्डर है ना साड़ी का, उसको इतना हैवी नहीं किया हुआ, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। ये देखें, इन्होंने बहुत ही डिसेंट तरीके से कैरी किया हुआ है, और ये आपको मैं पहले भी डिज़ाइन बता चुकी हूँ। और ये जो पीछे डिज़ाइन गया है ना, ये वो भी पहन सकते हैं जो हेल्दी हैं, क्योंकि हेल्दी लोगों को ना साड़ी पहनी हुई मोटी लगती है, वो लोग मज़ीद मोटे लगते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने मैंने आगे भी आपके साथ डिज़ाइन शेयर किए हैं, आप उस तरह की साड़ी बनवाएंगे ना, आप अगर हेल्दी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी साड़ी, बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती है हेल्दी लोगों पर साड़ी। लेकिन आपको उसको कैरी करना आना चाहिए। ठीक है, ये देखें हमारे पास, ये हमने आपको थोड़ी ट्रेडिशनल वेयर में भी दिखाई है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या इन है और क्या नहीं। ये सिल्क में भी है। इस तरह हम ना, आप ज़रूरी नहीं है मैं आपको जो जो दिखा रही हूँ हमने वो पहनना है, थोड़ा डिज़ाइन किसी का ले लिया, थोड़ा किसी का ले लिया साड़ी का, तो वो एक बहुत प्यारी बन जाएगी। देखिए जिस तरह इन्होंने सिलाई उसमें बनाई हुई है, टिशू के कपड़े में बनाई हुई है, जो कि अगेन बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत स्टफ़ लग रहा है। ठीक है, आगे आपको जो हेल्दी लोग हैं ना, उन्होंने पता ही क्या करना है, अब आगे डिज़ाइन भी शो होंगे, मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ। उन्होंने सादा ट्राउज़र, पेंट ट्राउज़र सिलवाना है, ऊपर जो है वो शॉर्ट कमीज सिलवानी है, और बाकी जो उसका पल्लू होगा ना साड़ी का, उसको आपने टक इन करना है अपनी वेस्ट में। जब आप वेस्ट में टक इन करके पीछे से आगे लाएंगे ना, तो वो आपकी साड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा प्लेटें भी नहीं आएंगी, क्योंकि प्लेटें जो होती हैं ना वो आपकी बेली पर आती हैं, तो आप ऐसे लगते हैं बहुत हेल्दी हैं, तो वो उस आपके बैली पे भी नहीं आएंगी, और आप अगेन बहुत प्यारे लगेंगे, आपकी बहुत स्लीक लुक आएगी। और जो हेल्दी लोग होते हैं ना, उनको ज़्यादातर साड़ियाँ ना जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से पहननी चाहिए, और आपको इस तरह का स्टफ़ लेना चाहिए, जिस तरह सिल्क हो गया, लीलन हो गया, जो सॉफ्ट स्टफ़ होता है ज़्यादातर वो प्रेफरेंस करना चाहिए। देखिए, इन्होंने भी रेड पहनी है, अलग ही हेल्दी हैं, पर इन्होंने सिल्क का स्टफ़ रखा हुआ है, वो स्टफ़ रखा हुआ है जिसमें फोल्स जो है ना वो ज़्यादा आती हैं, जो कपड़ा नरम होता है वो आसानी से ना, अगर उसमें प्लेटों में भी है ना, तो वो एक बहुत ज़्यादा ना हैवी हैवी नहीं लुक दिखाता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी कोशिश और मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आए ना, तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे वो भी बताइएगा, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अपना और आपने अंदर रखना बहुत ज़्यादा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए, ये सारे हेल्दी लोगों के भी ये साड़ी के लुक्स आ गए हैं, आप इनको भी डेफिनेटली देख के बनवा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।